हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए इमली का चटनी लेके आई हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है और टेस्टी भी बहुत होता है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं लगता है, लेकिन अपने अपने बनाने पर हैं। मैं इमली को बॉयल करके गर्म पानी में डाल के रखी है। वो चाट मसाला है, ये ड्राई फ्रूट्स है, आप डाल भी सकती हैं, नहीं भी डाल सकती है। इलायची पाउडर से स्वाद अच्छा आता है, लाल मिर्च, हल्दी है और गरम मसाला है, ये गुड़ है। इमली को मैंने गर्म पानी में फुला कर रख दी थी। अब इसका पल्स निकाल लूँगी और थोड़ा सा जीरा से चट, आप देसी घी डाल सकती है, रिफाइंड डाल सकती है, जो भी आप ऑयल खाती है उससे आप उसमें थोड़ा सा जीरा डालकर और चटकारा लगा सकती है। और इसमें मैं इमली का पानी डाल दूँगी, जो उसका पल्स निकाले थे वो डाल दूँगी, और इसमें गुड़ डाल दूँगी। गुड़ जब तक इसमें मेल्ट करेगा तब उसके बाद ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। देखिए गुड़ इसमें पूरा मेल्ट कर लिया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इलायची को कूट के रखूँगी और थोड़ा उसको सब उतारते समय उसको डालना है, साथ में नहीं डालना है। अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। अब इसमें जो मसाला है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, सभी को मिक्स कर कर अच्छी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाता है। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और इलायची पाउडर इसी में डाल दूँगी। देखिए ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा, और इसको स्टोर करके भी रख सकती हैं। आप इलायची पाउडर डाल दे रहे हैं, इसको स्टोर करके 1 महीना 15 दिन तक रख सकती हैं आप, पराठा के साथ या पूड़ी के साथ या जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी तैयार हो जाता है। ठंडा करके और आप स्टोर करके रख सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।